नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा प्रदेश के कोरोना योद्धाओं और लाभार्थियों के साथ वैक्सीन संवाद के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग एक तिहाई आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। जिस सबका प्रयास की बात मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, लाल किले से कही थी, मैं कहता हूं ये उसी का प्रतिबिंब है। हिमाचल के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने शत प्रतिशत पहली डोज का पड़ाव पार कर लिया है और अनेक राज्य इसके बहुत निकट पहुंच भी गए हैं। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। भाइयों और बहनों, आत्मविश्वास की यही जड़ी बूटी हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज टीकाकरण अभियान का भी मूल है। हिमाचल ने खुद की क्षमता पर विश्वास किया, अपने स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया। ये उपलब्धि सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और दूसरे तमाम साथियों के बुलंद हौसले का परिणाम है। साथियों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ जन संवाद और जन भागीदारी भी टीकाकरण की सफलता का बहुत बड़ा पहलू है। हिमाचल में तो पहाड़ के इर्द गिर्द बोलियां तक पूरी तरह से बदल जाती हैं। ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है जहां आस्था जीवन का एक अटूट हिस्सा है। जीवन में देवी देवताओं की भावात्मक उपस्थिति है। थोड़ी देर पहले
कुल्लू जिला के मलाना गांव की बात यहां हमारी बहन से ने बताई। मलाना ने लोकतंत्र को दिशा देने में, ऊर्जा देने में हमेशा से अहम भूमिका निभाई है। वहां की टीम ने विशेष कैंप लगाया, स्टार्स पेन से टीके का बॉक्स पहुंचाया और वहां के देव समाज से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विश्वास में लिया। जन भागीदारी और जन संवाद की ऐसी रणनीति शिमला के डोडरा कार, कांगड़ा के छोटा बड़ा भंगाल, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर जैसे हर दुर्गम क्षेत्र में भी काम आई। साथियों, मुझे खुशी है कि लाहौल स्पीति जैसा दुर्गम जिला हिमाचल में भी 100% पहली डोज देने में अग्रणी रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जो अटल टनल बनने से पहले महीनों महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहते थे। आस्था, शिक्षा और विज्ञान मिलकर कैसे जीवन बदल सकते हैं, ये हिमाचल ने बार बार कर दिखाया है। हिमाचल वासियों ने किसी भी अफवाह को, किसी भी अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि देश का ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त कर रहा है। साथियों, तेज टीकाकरण का लाभ हिमाचल के टूरिज्म उद्योग को भी होगा, जो बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार का माध्यम है। लेकिन ध्यान रहे, मास्क और दो गज की दूरी का मंत्र हमने टीके के बावजूद भूलना नहीं है। उन्होंने प्रदेश में भू सर्वेक्षण करने और भूस्खलन की पूर्व चेतावनी के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करने का परामर्श दिया। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हिमाचल के वीर जवानों की तरह राज्य के किसान भी मिट्टी की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और विकास कार्यों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ड्रोन हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है और यह स्वास्थ्य से लेकर कृषि और बागवानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्रों में जीवन रक्षक दवाएं एवं महत्वपूर्ण सामान आसानी से भेजने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव और समुदाय को जोड़ने से कई सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल के जंगलों में जड़ी बूटियों की व्यापक संभावनाएं हैं, जिसके लिए गांव और स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। उन्होंने आजादी के अमृत वर्ष में हिमाचल के किसानों और बागवानों से आगामी 25 वर्षों में पूरी तरह जैविक खेती अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा विकासात्मक कार्यक्रमों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने जिला शिमला के डोडराकवार नागरिक अस्पताल के डॉक्टर राहुल, जिला मंडी के थुनाग के श्री दयाल सिंह, जिला कुल्लू के मलाणा की आशा कार्यकर्ता श्रीमती निर्मा देवी, जिला हमीरपुर से श्रीमती निर्मला देवी, जिला ऊना से श्रीमती कर्मो देवी और लाहौल स्पीति से श्री नवांग उपासक से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रदेशवासियों से संवाद के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप भारत ने अल्पावधि में ही वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का सफल उत्पादन किया है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत अपनी 100% व्यस्क आबादी को पहली डोज देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में कोल्ड चेन प्लांट, परिवहन व्यवस्था और मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लाभार्थी जुटाने से संबंधित जमीनी कार्य पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़कर हार्दिक
अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम हिमाचलवासी सौभाग्यशाली हैं कि आपका स्नेह, आपका प्यार सदैव हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलता रहा है। और जब भी आपका हिमाचल प्रदेश में आना हुआ या हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ना हुआ तो आप सदैव इस बात का जिक्र करते हैं, मैं हिमाचल आया हूं, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। ये शब्द हमारे हृदय को छू लेते हैं। वैक्सीन एक बहुत कारगर उपाय है इस वायरस से बचने के लिए। उस दृष्टि से जिस प्रकार से आपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वैक्सीन लगाने के इस अभियान में सहयोग करें, हमने निश्चय कर लिया उसी दिन कि हिमाचल प्रदेश अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सब मिलकर के इस अभियान को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे और हम उस काम में लगे। कठिन परिस्थितियां, बरसात के मौसम में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई जिसके कारण हम चिंतित भी थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे हेल्थ वर्कर्स ने बहुत मेहनत करके काम किया और काम करने के साथ इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया कि हम पूरे देश भर में आगे चल रहे हैं वैक्सीन के अभियान में। हम इसमें पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं, चाहे वैक्सीन को 100% 18 साल से ऊपर की आयु को उस लक्ष्य को पूरा करने की बात थी, चाहे जीरो वेस्टेज की बात थी, इन दोनों लक्ष्यों पर हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ करके काम किया। हिमाचल प्रदेश ने 3 सितंबर 2021 तक 55,28,648 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 17,92,715 लोगों को पूर्ण टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। और मैं महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से जो आने वाले समय में जो सेकेंड डोज का भी जो लक्ष्य है उसको भी, उसके लिए भी हमने निर्धारित किया है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि 30 नवंबर तक हम सेकेंड डोज भी हिमाचल में पूर्ण कर सकें। इसके लिए इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। मुझे इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना है कि आपने वैक्सीन की सप्लाई के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष तौर से सहयोग किया और इस कोविड के संकट में आपने जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र को संबल दिया, पूरे राष्ट्र को नेतृत्व दिया और उस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़कर के काम करते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर पाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कठिन और विकट परिस्थितियों के बावजूद हमारे कोरोना वॉरियर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आपने समय निकाल करके हमारा मार्गदर्शन, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए जो समय निकाला, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर हिमाचल में वैक्सीनेशन अभियान पर आधारित वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में 135 LED के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्री मदन राणा के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में कार्यरत जूनियर टीममेट व कनिष्ठ सहायक श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की रीढ़ हैं और वह प्रदेश सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को धरातल पर कार्यान्वित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहा है और राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को कभी निराश नहीं किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा पुलिस विभाग की 24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 10 परियोजनाओं के लोकार्पण तथा 55 करोड़ रुपए की लागत से 16 नई परियोजनाओं के शिलान्यास किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को बधाई देते हुए सभी परियोजनाओं का निर्माण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी भवनों का डिजाइन विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर तैयार किया गया है तथा सिरमौर जिला के धौलाकुआं स्थित छठी IRB वाहिनी परिसर में निर्मित शस्त्रागार भवन आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि PTC में बनाए जाने वाले स्विमिंग पूल का उपयोग जल आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में किया जाएगा और यहाँ जवानों को तैरने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कार्यस्थल में काम करने की सभी आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में पुलिस विभाग की जवाबदेही और भी बढ़ी है क्योंकि आधुनिकता के साथ नए दायित्व भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक सकारात्मक पग उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पात्र वयस्क लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज देने का 100% लक्ष्य हासिल करने में पुलिस के जवानों का भी बहुत अहम योगदान रहा है। उन्होंने इसके लिए पुलिस विभाग को बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल विजेता ऊना जिले के एथलीट श्री निषाद कुमार ने आज अपने परिजनों तथा अपने कोच श्री नसीम अहमद के साथ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री निषाद कुमार को हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी व उन्हें सम्मानित किया तथा आगामी चैंपियनशिप के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 641 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 146 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 494 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 32,42,700 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 30,27,686 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,14,514 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,09,401 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,498 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।